मेरी नरमी का नजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी दी गई आजादी बहुत महंगी पड़ने वाली है। आ गई तुम्हारी लाठी, दो टोक बात करनी है, तुम करोगी या मैं करूं? मैं करूंगी। करो। अस्सलाम वालेकुम। वक्त और मौसम देख रही हो? वो सयान की गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गए। बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी हरकतों से। क्या हो गया है आप ही? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करती फिर रही हो? आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती हो। इतनी मुश्किल से मैंने मनाया था तुम्हारे भाईजान को तुम्हारी नौकरी के लिए और तुम्हें इतना सा एहसास नहीं है। मेरी नरमी का नजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारी दी गई आजादी बहुत महंगी पड़ने वाली है, याद रखना। उलिया तो देखो मैडम का। चाओ कमरे में फौरन, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। अम्मी अम्मी अम्मी, कपड़े गीले हो गए थे, इसको सुखाने। कमाल है, इतनी बारिश तो नहीं हुई बाहर जितने भीग के आए हो। मम्मी कराची में रोज रोज कहाँ बारिश होती है, और एक दफा बारिश हो गई तो गाड़ी में कौन बैठा रहता है? थोड़ा सा बाहर निकल लिया, एंजॉय कर लिया। इधर देखो जरा मेरी तरफ। अरे अम्मी, अब आप मुझे बताएं, अकेला बंदा एंजॉय कर सकता है? हाँ तो बस। मतलब? मतलब? वो एक्चुअली वो हवा को ऑफिस में देर हो गई थी तो मैंने सोचा उसको पिक कर लेता हूँ। अब देखे ना ये मौसम, इस मौसम में उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। अब फिर सोचा कि अब लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, फिर सोचा कि अब आइसक्रीम खानी चाहिए। आजकल के बच्चों के शौक भी तो निराले। नहीं नहीं, आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं खाई हमने। तुमसे ना जरा सी ठंड तो बर्दाश्त होती नहीं, और चले हैं बारिश में भीगने के लिए। ला रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना। वाह क्या बात है, ये जो बिना बताए आप बात जान लेती हैं, इस पर तो अवार्ड मिलना चाहिए आपको। और ये अवार्ड हर रोज एक मिलना चाहिए। रोज मिलेगा। रोज कॉफी भी मिलनी चाहिए। भैया भैया, इतना मिस करता हूँ तुम्हें। क्यों चली जाती हो तुम अपने घर? व्हाट्सएप बारिश थमी नहीं और आके बरसने लगी। रो रही हो ना तुम? यार क्यों रो रही हो तुम? क्यों बात बात पर रोना शुरू कर देती हो? तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, तुम रुलाते हो मुझे। मेरी वजह से? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें हंसाता हूँ। अच्छा हाँ, आप ही ने डांटा होगा ना, देर जो गई थी। ज़यान मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम नहीं जानते असीस भाई की आंखों में जो तंस नजर आता है मुझे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ मैं। हो ये असीस भाई भी ना बड़े हैं, इसलिए इनको कुछ कह नहीं सकता, वरना मैं बस बस अब ये घर पे बैठ के गुस्सा करने से ये मसला हल नहीं होगा। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी चाहे तुम जो कुछ कहते रहो। I'm really sorry, मेरी वजह से देर हो गई थी, मैं मान रहा हूँ, I'm really sorry। तुम इतना गुस्सा तो नहीं करो, तुम्हारी मजबूरी तुम्हारी परेशानी मुझे बहुत तकलीफ देती है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए, मगर फिर भी मुझसे उल्टा हो जाता है। मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहती हूँ? कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास इतने प्यार इतना एहसास करने वाले रिश्ते हैं, मगर मेरे पास सिर्फ तंज, और मेरा दम घुटता है इससे। और तुम्हारी ये मोहब्बत हिम्मत देने के बजाय मुझे कटहरे में खड़ा कर देती है। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, तब तक नहीं मिलूंगी जब तक हमारी शादी नहीं होती। हया, हया,